द लाफिंग किंग। वाह, कितनी सुहानी सुबह है। मेरा बगीचा कितना रंग बिरंगा दिख रहा है। आह, इन फूलों से कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ये कौन है जो इतनी जल्दबाजी में इधर आ रहा है? क्या ये जादूगरनी ग्रिसेल्डा है? हाँ, ये वही है, पर इतनी जल्दबाजी में क्यों? कितना मैला चेहरा है, कितने गीले कपड़े हैं। शर्मानी चाहिए तुम्हें राजा लियोनार्ड, मेरे गिरने पर तुम हंस रहे हो। अगर तुम्हें हंसना इतना ही पसंद है तो अब तुम हमेशा हंसते रहोगे। मैंने आपके लिए केक बनाया है, क्या आप चख के बताएंगे कैसे बने हैं? वैसे आप क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है डियर, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? हंसना बंद कीजिए, अगर आपने हंसना बंद नहीं किया तो प्लेट गिर जाएगी। अरे नहीं, आपने मेरी सबसे मन पसंद प्लेट तोड़ दी और मेरे केक भी गिरा दिए। पिताजी, आपके हंसने की आवाज पूरे महल में सुनाई दे रही है, मगर आप क्यों हंस रहे हो, और वो भी तब जब माँ अपनी टूटी हुई प्लेट के लिए रो रही है। कोई बात नहीं माँ, मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर प्लेट को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आह, मेरी उंगली कट गई। पिताजी, मेरी उंगली कट जाने के बाद भी आप हंस रहे हो? मैं हंसना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ। मैं जाकर अपने महामंत्री से सलाह लेता हूँ, उन्हें पता होगा क्या करना है। महाराज, राजा फर्डिनेंड शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे साम्राज्य के चोरों ने उनके बगीचे से फल चुराए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत पर हंसने की? मैं इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, जल्दी मैं अपनी सेना के साथ वापस आऊंगा। मत जाइए राजा फर्डिनेंड। रोको उन्हें महामंत्री। रोको उन्हें। मगर महाराज, इस गंभीर समय में आप क्यों हंस रहे हो? माफ करना, मगर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। जादूगरनी ग्रिसेल्डा की जादू की वजह से। जादूगरनी का जादू? अगर ऐसा है महाराज, तो चलिए हम जाकर विच ग्रिसेल्डा से मदद मांगते हैं। ओ जादूगरनी ग्रिसेल्डा, हमारे महाराज हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, कृपया उन्हें मंत्र से मुक्त कर दो। नहीं नहीं नहीं, जब मैं कीचड़ में गिरी तब वो मुझ पे क्यों हंसे? कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो जादूगरनी ग्रिसेल्डा। मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जब मैं तुम्हारे कीचड़ में गिरने पर हंसा। पर तुम्हारे जादू की वजह से मैंने अपनी पत्नी का दिल दुखाया, अपनी बेटी का दिल दुखाया, और फिर मेरे दोस्त का दिल दुखाया उनके दुर्भाग्य पर हंसकर। मैं वादा करता हूँ मैं कभी दूसरों पर नहीं हंसूंगा। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा किसी पर हंसे राजा लियोनार्ड तो नहीं नहीं कभी नहीं। वापस पहले जैसे हो जाओ राजा लियोनार्ड। आखिरकार हमारा हंसना बंद हो गया, अब जान में जान आई। बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी ग्रिसेल्डा, अब हम राजा फर्डिनेंड को एक माफी पत्र लिखेंगे, हमारी रानी के लिए नई प्लेट का सेट लेकर आएंगे, हमारी बेटी सिंथिया की उंगली पर पट्टी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जादूगरनी ग्रिसेल्डा को एक नई ड्रेस उपहार में देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।